So, आज नूरी किचन में बनेगा अक्खी मसूर दाल की खिचड़ी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरी किचन। तो चलिए बड़ी सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो बनेगा बहुत ही जल्दी और यम्मी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कुकर, उसके अंदर तेल ऐड कर देना है हमें। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, दालचीनी, जीरा और लहसुन। लहसुन को हमने कट कर दिया है। ऐड कर देंगे हम प्याज और फिर इसे अच्छी तरीके से हम सौटे कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1.5 चम्मच था, और फिर इसे ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर, इधर मैंने 3 टमाटर काटा है, उसे भी हम ऐड कर देंगे। अब इधर जब तक ये अच्छी तरीके से बादामी कलर होते हैं, हम यहाँ पर चावल धुल लेंगे। यहाँ मैंने बारीक चावल लिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये चावल का। और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे अक्खी मसूर की दाल और फिर इसे धो देंगे। और इसे है ना मैंने 15 मिनट तक भिगा के रख दिया था। अब ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, अच्छे से सौटे कर लेंगे। और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल और दाल और फिर इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। कम से कम हमें 2 मिनट तक भूनना है। और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, थोड़ी सी यहाँ मैं ऐड करूँगी तीखे के लिए हरी मिर्ची, आपको अगर ऐड करना है तो करिए वरना स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया, फिर इसे मिक्स करेंगे। जैसे चावल नीचे पकड़ने लगेगा इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, जितना आपने चावल रखा है उतना आपको पानी ऐड कर देना है। और इसे ढक के मैं यहाँ पर 2 सीटी रख दूँगी। जैसी हमारी 2 सीटी हो जाएगी, हमारी गर्मा गर्म अक्खी मसूर दाल की खिचड़ी रेडी हो जाएगी। तो देखिए बड़ा ही बेहतरीन बना है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो जल्दी से बनाइए ये वाली रेसिपी, बड़ी ही टेस्टी और यम्मी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आप इसे कचुम्बर के साथ खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। सो बाय, अल्लाह हाफिज़।